बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको बताते चलें कि मशहूर अदाकारा शुमाइल तरीन की गाड़ी को टक्कर, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल हो गई हैं। जी हाँ नाज़रीन, कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर अदाकारा शुमाइल तरीन की गाड़ी को टक्कर मारी गई है, जिसके बायस अदाकारा शदीद ज़ख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक अदाकारा शुमाइल तरीन भी ज़ाती दुश्मनी की भेंट चढ़ गई। कोयटा में होटल से घर जाते हुए इनकी गाड़ी पर हमला किया गया। गाड़ी को टक्कर लगने के बायस अदाकारा मौके पर ही ज़ख्मी हो गई। शुमाइल तरीन को नीम बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी में सवार शख्स ने ज़ाती दुश्मनी की बना पर अदाकारा की गाड़ी को टक्कर मारी। मुलजिम के खिलाफ बिजलीगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अदाकारा शुमाइला तरीन का कहना है कि मेरी ज़िंदगी को खतरा है, मुझे मुख्तलिफ नंबरों से धमकियां दी जा रही हैं। वाकये की तफसीलात में बताया गया है कि शुमाइल तरीन अपने घर जा रही थी कि इस दौरान गाड़ी में सवार शख्स ने इनकी गाड़ी को 3 बार निशाना बनाने की कोशिश की। 2 बार तो वो महफूज रही, ताहम तीसरी बार टक्कर मारने पर अदाकारा की गाड़ी फुटपाथ से जा टकराई, जिसके बायस शुमाइल तरीन के सर और गर्दन पर चोट लग गई। जख्मी होने के बाद अदाकारा बेहोश हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने अस्पताल मुंतकिल किया। शुमाइल तरीन ने होश में आते ही वाकये से मुतल्लिक पुलिस को आगाह किया। गाड़ी का नंबर और गाड़ी में मौजूद शख्स से मुतल्लिक भी पुलिस को बताया। नाज़रीन, शुमाइल तरीन का कहना है कि इस वाकये से 2 रोज़ पहले भी इन्हें जान से मारने की धमकियां दी गईं, जिसके बायस उन्होंने हुकूमत बलोचिस्तान और इंतज़ामिया से तहफ़ फ्राहम करने की दरख्वास्त भी की, ताहम आइंदा इस किस्म के वाकयात से महफूज रहा जा सके। वाज़ह रहे कि शुमाइला तरीन ने कुछ अरसे पहले ही ड्रामा इंडस्ट्री में अपने कैरियर का आगाज़ किया। शुमाइल तरीन ने कम वक्त में अपनी खूबसूरती और अदाकारा की वजह से ड्रामा इंडस्ट्री में जगह बना ली। अल्लाह ताला शुमाइल तरीन को सेहत दे, आमीन। इस खबर को लेकर अपने कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट्स में ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी।